जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत ट्रैफिक कॉलोनी सुभाष चौक से लेकर हरहर गुट्टू नाले तक सड़क किनारे अवैध दुकानों व मकानों को रेलवे ने ध्वस्त किया। यह कार्रवाई रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की गई, जिसमें कुल 26 अवैध रूप से बने मकान व दुकानों को ध्वस्त किया गया। बता दें कि टाटानगर रेलवे द्वारा लगातार अतिक्रमण अभियान चलाकर रेलवे की जमीन पर बने अवैध मकान व दुकानों को उक्त स्थल से हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने बुधवार को बागबेड़ा पुलिस और आरपीएफ जवानों की मदद से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इससे ट्रैफिक कॉलोनी सुभाष चौक से लेकर हरहर गुट्टू नाले तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 26 दुकान एवं मकानों को रेलवे के बुलडोजर ने तोड़ दिया। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने पूर्व से ही अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सड़क किनारे रहने वालों को हटने की चेतावनी दी थी। इधर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व ही आईओडब्ल्यू की टीम ने बागबेड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कब्जे का सर्वे किया था। इससे कभी भी कितड़ी रोड एवं लाल बिल्डिंग समेत अन्य इलाके में रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल सकता है। हालांकि इस अभियान के संदर्भ में रेलवे के अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।